क्या कारण था क्यों आपने आत्मदाह किया, क्या कहानी है? कहानी ये कि हमसे एक लड़की 2 साल तक बात किया, हमसे शादी का वादा किया, हमने उसको अपने बारे में हर सच्चाई बता दी थी कि हमें दिखता नहीं है और हम मोहम्मदन है, हर बात बताई थी, पर उसने हमें सिर्फ यही बताया कि उसका नाम ऋचा है और वो जिला महोबा की रहने वाली है। और 2 साल तक हमसे बात किया, 6-6, 7-7 घंटे बात होती थी। उसके बाद अपना नंबर बदल दिया है और उसकी सहेली से हमने जब कहा उसका पता जानने के लिए, तो उसने हमारा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अच्छा, आप क्यों, क्या कर रहे हैं और क्या क्यों आत्मदाह? जब से उसको तलाश करने के लिए बहुत कोशिश की, 5 बार महोबा भी जा चुके हैं, वहाँ के थाने में भी गए हैं, मगर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले तो आप रहने वाले जिला हरदोई के हो, तो आप वहीं पर कार्रवाई कीजिए, जब भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले तुम एडिशनल साहब से मिले थे जी? एडिशनल साहब ने क्या कार्रवाई की, क्या हुआ था? उन्होंने आदेश तो कर दिया था सर्वेलेंस पर लगवाने के लिए नंबर, लेकिन महिला थाने रेफर किया था, वहाँ वालों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की। किस तरह की कार्रवाई की, क्या किया गया? मतलब ये हमें हिरासत में ले लिया और धमकी दी, अगर आप नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की। आज क्या किया फिर? आज क्या किया तुमने? आज क्या किया, कहाँ गए थे और क्या फिर कार्रवाई? आज तो हम यहीं साथ सीधे डीएम साहब के ऑफिस आए थे, फिर तो वहाँ मतलब एप्लीकेशन हमने दिया, तो उन्होंने भी यही इनकार कर दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और अब बोले कप्तान साहब के पास जाओ, वहीं बताओ जाके। हमने कहा 3 बार वहाँ जा चुके हैं। फिर आपने क्या किया? तो हम गुस्से में जो है जब भी पेट्रोल डाल दिया था। ये सादात नाम के एक नवयुवक हैं जो दिव्यांग हैं, और इनका कोई प्रेम प्रसंग किसी लड़की से है जिसको उस लड़की ने स्वीकार नहीं किया, और उससे आहत होकर वो इस तरह की पहले भी शिकायतें कर चुके थे जो है, और उससे ही आहत होकर आज उन्होंने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया है, जिसमें उनके घर जो है सुसंगत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।